पहले उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी, तो अब कुंभ के शाही स्नान का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि शाही शब्द मुगलों की गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। वैसे शाही उर्दू का शब्द है, इसलिए हो सकता है इस पर एतराज हो रहा हो। मगर MP, UP और छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले पुलिस और प्रशासन से ऐसे कई शब्द हटाए गए हैं जो उर्दू और फारसी से थे, और अब महाकाल की सवारी को राष्ट्रीय सवारी कहने की सहमति तो बन गई है। क्या है ये पूरा विवाद, देखिए इस खबर में विस्तार से। शाही की जगह राजसी, उर्दू पर मामला हुआ सियासी। ये भादों में निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी है, जिसे अब राजसी सवारी के नाम से ही जाना जाएगा। शाही सवारी से शाही शब्द हटाए जाने के बाद अब बहस महाकुंभ के शाही स्नान पर हो रही है। संत महंत इस शब्द के विरोध में उतर आए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि कुंभ के स्नान से शाही शब्द हटाने की शुरुआत प्रयागराज से कर सकते हैं, क्योंकि साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा। ऐसे में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने शाही स्नान का नाम बदलने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के मुताबिक शाही शब्द उर्दू शब्द है, मुगलों ने ये नाम दिया था और ये गुलामी का प्रतीक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि सनातन धर्म के मुताबिक शाही नहीं राजसी स्नान होना चाहिए। अब ये मुद्दा अखाड़ा परिषद की बैठक में भी उठाया जाएगा। अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े आते हैं, यानी इन 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शाही और राजसी शब्द को लेकर चर्चा करेंगे और फिर 2025 के महाकुंभ में उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी शाही शब्द के खिलाफ हो गए हैं। शाही शब्द एक इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्रेषित है। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी आक्रांताओं के शब्दों का प्रयोग ना हो और प्राचीन परंपरा हमारी बनी रहे, इसलिए शाही शब्द हटना चाहिए और राजसी ही होना चाहिए। जूना अखाड़े के संत महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज ने शाही के बदले क्या नाम हो इसका सुझाव भी दिया है। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम शाही सवारी की जगह उसे दिव्य यात्रा कह सकते हैं, राजसी यात्रा कह सकते हैं। उसी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं को मैं नहीं जानता, कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में मैं कोई जानकार बड़ा नहीं, किंतु ये स्पष्ट है कि यदि किसी भी शब्द से पराधीनता का, आतंक का या किसी कलुषित यादों का समावेश होता है, उसका आभास होता है, तो उन्हें हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के साधु संतों की मांग के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए विश्व प्रसिद्ध महाकाल की सवारी को राजसी सवारी कर दिया था, जिसके बाद निरंजनी अखाड़ा के संतों ने CM के फैसले का स्वागत किया था। देखिए, शाही सवारी को राजसी सवारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवर्तित किया है इस नाम को, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जिस फैसले का संतों ने स्वागत किया, उस फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने BJP पर शाही शब्द को लेकर राजनीति करने का आरोप मढ़ा है। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपराओं का हिस्सा है, नाम बदल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विनाश को विकास रख देने से क्या विकास हो जाएगा? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि धर्म को दूषित करने की एक कोशिश जो हर जगह की जा रही है। माता को मदर कहा जाए या माता को अम्मी कहा जाए या माता को मम्मी कहा जाए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अब देखिए इसके बारे में क्या है क्या नहीं है और क्या डिमांड हुई है, कौन सी हुई है, लेकिन गुलामी के प्रतीक देश के अंदर कोई नहीं बचेंगे। लेकिन उर्दू के किसी शब्द को लेकर पहली बार बदलाव नहीं हो रहे हैं। आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देश में कब कब और कहां उर्दू के शब्दों की जगह हिंदी ने ली है। दरअसल मई 2024 में मध्य प्रदेश में MP पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू फारसी के 69 शब्द हटा दिए गए। जून 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली से भी उर्दू और फारसी के शब्द हटाए गए हैं। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में 115 साल पुराना कानून बदला गया,
और रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू और फारसी के शब्द हटाए गए। फरवरी 2020 में भी उत्तराखंड के 22 स्टेशनों के नाम उर्दू से मिटाकर संस्कृत में लिखे गए और फिर इन सब से इतर सभी को राज्य, स्टेशन, बाजार और सड़कों के नाम का बदलना तो याद ही होगा। ऐसे में शाही शब्द पर छिड़ी बहस कोई नई बात तो नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के बाद अब संत महंतों को उम्मीद है कि 2025 में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में भी शाही स्नान नहीं बल्कि राजसी स्नान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बहुत पहले शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है, तो हम भी यही कहेंगे कि सवारी को शाही कहो या राजसी, क्या फर्क पड़ता है। मगर बात यह है कि वोटों की राजनीति में जब भाषा ही राजनीति का शिकार बनने लगे तो ये तो होगा ही। वैसे नाम बदलने की इस हड़बड़ी से किसी को बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो शब्द जबान पर चढ़ जाते हैं और फिर जिनको जाते जाते एक जमाना लगता है।